धन्यवाद। नमन किया दोनों बल्लेबाजों ने शायद जमीन को, और बल्ला लेके मैदान के ऊपर पहुंच चुके नावा बनाम बामन डोंगरी के बीच। ये सेकंड राउंड का दूसरा मुकाबला है। गेंदबाजी का तो प्लान चल रहा है मैदान के ऊपर, इस बार देखा जाए नावा का प्लान बन चुका है कैसी गेंदबाजी करना है, चार ओवर में हमें कितने रन देना है, कैसे इस बार देखा जाए बामन डोंगरी को शायद ज्यादा रन नहीं देना चाहिए, ऐसा प्लान तो बन चुका है। किन बल्लेबाजों को हमें आउट करना है, ये तो प्लान मैदान के ऊपर नावा का बन चुका है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में मुझे लग रहा है जो प्लान बामन डोंगरी का बन चुका है। इसलिए सलामीर जोड़ी पर आगाज करने के लिए, आरंभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए ये सलामीर जोड़ी मैदान के ऊपर यानी कि क्रीज के ऊपर पहुंच चुकी है। कल्पेश ठाकुर और तकदीर पाटिल, ये जोड़ी बामन डोंगरी की मैदान के ऊपर पहुंच चुकी है। और माननीय श्री प्रीतलता महात्रे ट्रॉफी 2019 का बेहतरीन यह आयोजन वाकड़ी में समर्थ मैदानी वाकड़ी का पूरी तरह से घड़ी के अंदर देखा जाए अब 1:55 हो चुके हैं। तो पहले गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे जिस गेंदबाज का नाम है वैष्णव होइर। अंपायर गेंदबाजी वहां से करेंगे, चलेगा ओके। वैष्णव भोईर तालुका जो ओपन टीम है वो हार गई, लेकिन ग्रामीण टीमों ने भैरवनाथ धुतुम को, नई मुंबई की जब टीम थी उनको परास्त कर दिया। काफी वहां प्रथमेश मात्रे ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। ये क्रिकेट है, ये अनिश्चितों का खेल है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए वैष्णव भोईर, एक बार देखा जाए नावा की वाकड़ी के मैदान के ऊपर दौड़ रहे हैं। पहली गेंद फुल टॉस जरूर गेंद थी, चली गई गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर, ओ मिस फील्ड। अगर यह गेंद डायरेक्ट विकेटों के ऊपर लग जाता तो करीबी 100% मामला बनने वाला था, लेकिन बल्लेबाज भी इतने तेज दौड़े, जानते हैं कि खतरा है, और इसीलिए वो शायद अपने घर के अंदर सुरक्षित पहुंच चुके। इस दो रन के साथ देखा जाए तो कल्पेश ठाकुर ने खुद का खाता ओपन कर दिया और टीम का भी खाता ओपन कर दिया, स्कोर पहुंचा 2 के घर में। खेल हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय बन चुका है। वैष्णव भोईर ओवर द विकेट, ओ हो 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 हो, क्या ठोका है वैष्णव भोईर को, मानो गेंद को सीधा पहुंचा दिया तारामंडल में, छक्का। तो शायद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने शायद इस डीप मिड विकेट के ऊपर शानदार छक्का देखने को मिल चुका है। वैष्णव भोईर बॉलिंग मार पर थोड़ा सा टप्पा पीछे रखते हैं और इसी के साथ देखा जाए फिर से गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर चली गई है, गेंद को उठाया, सिंगल मिली और सिंगल के साथ देखा जाए तो यह बामन डोंगरी टीम का स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। यस हेलो अमित, या सामन्यामध्ये खऱ्या अर्थाने एक कमिटी मेंबर्स म्हणून ज्याने पंचांची भूमिका यशस्वी त्या पार पाडली ते आपले आयोजन कमिटी मेंबर्स सुकेश भोपी यावर्षी एका नवीन इनिंग्सला सुरुवात करणार आहेत, शुभेच्छा असणार आहेत सुकेश आपल्यासाठी आम्हा सर्वांच्या वतीने। बिलकुल, कुछ ना कुछ नया करने के लिए इनिंग तो चालू करना ही पड़ती है। यकीनन के साथ इस बार तकदीर पाटिल स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं, वैष्णव भोईर बढ़िया रन अप, शान आन बान है। इस बार देखा है रायगढ़ की नावा के सुपुत्र है, दोनों टीम आपस में तगड़ा रहे। वैष्णव भोईर इस बार फुल टॉस गेंद दे रहे और इसीलिए इस बढ़िया क्षेत्र रक्षण, देखिए क्या छलांग मारी है, ओहो ओहो, और
और इस बार शायद आप वो फील्डर का दोष नहीं है क्योंकि गेंद विकेट के ऊपर लगी, गेंद शायद देखा जाए थोड़ी सी बाहर आ गई, बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित थे, मगर इस दौरान के साथ स्कोर पहुंचा है 11 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे जीवदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर। पहला पावर प्ले चल रहा है, मिड ऑफ अंदर है, शायद शॉर्ट पॉइंट है, शॉर्ट कवर है, शॉर्ट थर्ड मैन है, गली है, ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर शॉर्ट पॉइंट लेके, शॉर्ट स्क्वायर लेके, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी, ओ हो हो क्या शॉट मारा है यार, रात काली है लेकिन उजाला में बामन डोंगरी का बल्लेबाज भड़का दिखा रहे। तकदीर पाटिल की बारी, वैष्णव भोईर एक तेज खूंखार गेंदबाज आज समर्थ वाकड़ी के मैदान के ऊपर महंगे साबित होते हुए, और इस बार शायद जरूर ग्लांस करने का प्रयास किया, बस गेंद को दिशा दी, देखते देखते गेंद इस बार बाउंड्री पार हो गई, इस बार इस तेज गेंदबाज का ओर इस बार शायद देखा जाए नावा टीम के लिए बहुत ही खतरे का ओर साबित हुआ है। और इस ओवर में एक किस आए, एक आरंभिक गेंदबाज, एक तेज गेंदबाज, इस गेंदबाज का दरारा है लेकिन इस गेंदबाज के ऊपर ये दोनों बल्लेबाजों ने जीवदानी बामन डोंगरी की सलामी जोड़ी ने शायद पहले ओवर में तोड़ फोड़ की शुरुआत की है। देखिए इस बार देखा जाए तो कल्पेश ठाकुर व्यक्तिगत 9 रन पे खेल रहे, 21 स्कोर बन चुका है, चार ओवर का मुकाबला है, दूसरे गेंदबाज आए गेंदबाजी की बाउंड संभालने के लिए रोहन गरत, और इस प्रकार देखा 12 रन पे शायद तकदीर पाटिल खेल रहे, और ये फुल टॉस जरूर गेंद थी, इस प्रकार बल्लेबाज प्रयास किया ऑन साइड के ऊपर खेलने का, संपर्क हुआ लेकिन इस बार देखा जाए शॉट जो मारा था उसमें ताकत कम थी, लेकिन इस बार एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर जा चुका है 22 के घर में। बेहतरीन या माननीय श्री नगर सेवक और विरोधी पक्ष नेता प्रीतम दादा मात्रे ट्रॉफी 2019 का बेहतरीन हिस्सा वाकड़ी में आयोजन किया हुआ है, ये खूबसूरत मैदान है, पूरी तरह से आयोजन और आयोजकों ने ली हुई मेहनत के तौर के ऊपर इस बार देखा जाए ट्रॉफी का बोलबाला, पूरी दुनिया इस मैच का आनंद ले रही है। वो अच्छी गेंद थी लेकिन ये देखिए अंत में कामयाब नहीं बन चुके, और ये गेंद बिल्कुल थोड़ी सी बाहर थी लेकिन सही लाइन लेंथ के ऊपर चली गई है, और यही टप्पा रखना चाहिए और अच्छी गेंदबाजी करना चाहिए क्योंकि पहला वैष्णव भोईर का ओवर नावा के लिए बहुत ही खतरे का ओवर साबित हो चुका है। 22 स्कोर, 22-2, पूरी तरह से हमारे शायद या ऑपरेटर साहब उपस्थित थे, अच्छी मेहनत लेते हैं, और ये देखिए अंत में फील्डर हारा, बॉल की जीत हो गई, बस विकेट कीपर और 10 खिलाड़ी उस गेंद को देखते देखते गेंद सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए करके इशारे ओ लड़की देखिए हमारे कैमरामैन पूरी तरह से तैयारी में है,
बेहतरीन यहाँ लगभग देखा जाए काम कर रहे, लेकिन ये ओ हो भैया हाथ हिला के गेंद को देख, गेंद गई है बाउंड्री के बाहर, टाटा बाय बाय। मुझे ये लग रहा है इंजन गरम छपड़ो को धन्यवाद डीजे सानिया, हमारे धुंधरे के नितिन पाटिल, इनकी ऑपरेटिंग, सुमधुर संगीत आप सभी को सुनने को मिल चुका है दोस्तों, और स्कोर पहुंच चुका है 32 के घर में। तकदीर पाटिल का इंजन गर्म होने जा रहा है, लेकिन गुड लेंथ एरिया में गेंद को फेंकने के बाद ये वेरिएशन है, और जब ऐसे गेंद फेंकते हैं तो बल्लेबाज को दिक्कत पैदा हुआ है। अगर ये बल्लेबाज ऑफसाइड के ऊपर खेलते तो जरूरत के साथ रन मिलने वाले थे, लेकिन बल्लेबाज का खेलने का तरीका है वो ऑन साइड के ऊपर, इसलिए गेंद डॉट गई है। व्हाट अ शॉट कांचन पारकर जी, आई है बल्लेबाज इतना ठोक रहे है मानो गेंदबाज के नाकों में दम आया है। और 8 गेंदों में इस बार तकदीर पाटिल व्यक्तिगत खेल रहे 28 रन पे, उसमें शायद 3 छक्के 2 बाउंड्री और 1 डबल के साथ कैसा होता है, एक एक ऐसे दृश्य होते हैं वो जिंदगी में मेरे याद रहेंगे। हमें लगा क्या हुआ तो गेंद थोड़ी सी इधर उधर गई थी, यकीनन के साथ देखा जाए रोहन घरत भी महंगे साबित हो चुके हैं। कुल मिला के स्कोर पहुंच चुका है 38 के घर में, हमारे स्कोरिंग का काम करने जा रहे हैं शान शेख 14-52 डोंगरी के हैं, अच्छा योगदान दे रहे बिल्कुल। और दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा दोस्ती का होता है, और वो जमीन पे नहीं दिलों में उग जाता है, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। यकीनन के साथ ये दूसरा ओवर भी महंगा साबित हो चुका है, मानो मुझे लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम से ही बल्लेबाज सेट होके आ चुके हैं। और देखिए शायद हमारे आयोजक करता है इस बार हमारे शायद स्क्रीन के ऊपर आ चुके, बढ़िया योगदान दिया है, मजा लाया है, और इसीलिए शायद इस वाकड़ी की रजनी पूरी तरह से सक्सेसफुल बनने जा रहे। व्हाट अ शॉट, मुझे लग रहा है इस बार गलती नहीं, इस बार गेंद गोदी में और विकेट नंबर 1 मैदान से वापस आता हुआ आते हुए बल्लेबाज मनीष गलत को पहली सफलता नवा टीम को मिली, और विकेट जो मैदान से वापस आ रहे वो बल्लेबाज शायद गया है कल्पेश ठाकुर व्यक्तिगत, 5 गेंदों में 10 रन की पारी समाप्त। शानदार बल्लेबाजी, 1 छक्का 2 सिंगल 1 डबल के साथ 10 रन की पारी समाप्त, और नए बल्लेबाज जा चुके मैदान के ऊपर भानदास मात्रे, एक आक्रामक हिटर बल्लेबाज जिनका बल्ला जब बोलता है मैदान के ऊपर तो उनके सामने अच्छे अच्छे गेंदबाज पानी भर देते, लेकिन नावा टीम का एक दरारा है, नो कॉम्प्रोमाइज, अपने हिम्मत के साथ जलवा दिखाता है
आग का गोला मैदान से बाहर गया है और कह दिया है ये दीन नहीं ये रजनी है। और तकदीर पाटिल का इंजन गर्म हो चुका है, मानो वो शायद कूट कूट के बल्लेबाजी कर रहे, धाकड़ बल्लेबाजी, दमदार बल्लेबाजी, राउंड विकेट। और पिच जरूर गेंद थी, लेकिन इस बार इस गेंद को पकड़ लिया विकेट कीपर ने, इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। और ये बदलाव होना चाहिए, अपने पास विविधता चाहिए और विविधता ये गेंदबाज की खासियत है। इस बार जरूर लोअर फुलटॉस जरूर गेंद थी, ऑनड्राई कर दिया है, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के ऊपर। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर बन चुका है 45 के घर में एक विकेट के नुकसान पे। या जीवदानी वामन डोंगरी टीम का स्कोर है। तो टॉस जीतने के बाद मुझे लग रहा है नवा टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, और अभी तक शायद तीसरे ओवर की दो गेंदे शेष है। इस बार अंपायर उदय तंडेल साहब और नष्ट गेंद पे हमारे अंपायर है रमेश पवार जी। बिल्कुल रमेश पवार ने शायद पड़गे में अच्छी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। और क्रिकेट है दोस्तों, हर दिन अपना नहीं होता, एक दिन दशहरा है तो एक दिन दिवाली है दोस्तों। और ये इस शॉट को खेला हुआ है और भानुदास के पारी का अंत होता हुआ। भानुदास मुझे लग रहा है एक आक्रामक खिलाड़ी, लेकिन आज मैदान के ऊपर देखा जाए ये हीरो जीरो बन गया। मनीष घरत की गेंदबाजी अब अच्छी चल रही है, अच्छे कर रहे हैं। तो यकीनन के साथ आखिरी गेंद शेष है। ये देखिए ये इस बार अपील की है विकेट कीपर ने, लेकिन ये भी उंगली खड़ी हो गई। और इसी के साथ देखा जाए ये वाइड गेंद है और इस अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जाता है 46 रन, और इस प्रकार दोनों विकेट ना तीन विकेट के नुकसान पे। और 11 गेंदों में 35 रन की एक जानदार पारी, एक शानदार पारी, एक तूफानी पारी, एक वजनदार पारी लेके बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में आ चुके हैं। इस बार देखा है तकदीर पाटिल क्या धाकड़ बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए। 11 गेंदों में 35 रन की पारी और टीम का स्कोर देखा जाए तो शायद 46 रन तीन विकेट के नुकसान पे बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश किया। अभी तक आखिरी गेंद शेष है, राउंड विकेट। तो ये शायद वाइड गेंद, अंपायर ने देखा जाना पर का कि क्या चल रहा है, डिसीजन थोड़ा लेट दिया, लेकिन ये गेंद वाइड ही थी और इस एक रन के साथ स्कोर जाता है 47 के घर में। कभी यहां बेहतरीन नियोजन और इस प्रकार देखा जाए तो शायद जरूर स्ट्रोक को खेल दिया है, मगर सिंगल मिल जाती है और सिंगल के साथ देखा जाए तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता, यानी कि इस बार जीवदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर पहुंच चुका है
48 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे पारी का स्लॉग और बची हुई 6 गेंदे। और ये ट्रॉफी देखिए कितनी चमकदार ट्रॉफी, लोगों की शायद देखा जाए नजर इस ट्रॉफी के ऊपर, छोटे अभी तक तो सोया नहीं, क्या क्रिकेट के ऊपर तेरा प्यार यार, कमाल है तेरी। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय बन चुका है। वैसा तो हमारा खेल राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन हमने पसंद दी दोस्तों लगभग देखा जाए तो क्रिकेट को। 25 जून 1983 का विश्व कप जब हिंदुस्तान देश में लाया दोस्तों लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर से, उसका श्रेय कपिल देव साहब के नेतृत्व में किया हुआ काम सभी खिलाड़ी, लेकिन वो विश्व कप लाया तब उसका कारण एक ही था दोस्तों, करोड़ों लोगों की दुआ थी। इसीलिए हिंदुस्तान ने विश्व कप में लगभग देखा जाए वेस्ट इंडीज जैसे टीम को शायद मात दी और तीसरा वर्ल्ड कप कॉइलाइट लेने वाले थे, लेकिन उन्हें ब्रेक दिया जो कपिल देव साहब जी ने तो कैच ली दोस्तों वीरेंद्र चट की, और वही उस लगभग देखा जाए मैच में चमत्कार हुआ। लेकिन रॉजर बिन्नी साहब जी को भी मानना पड़ेगा, शायद उन्होंने जो कारनामा किया था 17 विकेट उन्होंने निकाल दिया था, ऐसी गेंदबाजी की ही थी। भूषण भोईर ये देखिए रिवर्स स्वीप अटेंड करने गए थे, सक्सेसफुल नहीं बने, इसी के साथ ये गेंद डॉट जाती है। 5 गेंदों का खेल अभी तक बाकी है, 48 स्कोर जीवदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर। बामन डोंगरी और नावा एक दूसरे के साथ जरूर खिलाफ भिड़न हो चुकी है। व्हाट अ शॉट, ये रिवर्स स्वीप का अस्त्र जब मैदान के ऊपर निकलता है और जब बल्लेबाज सक्सेसफुल होता है तो ठोको ताली का आवाज होता है। और प्रसाद पाटिल बेहतरीन स्ट्रोक, कदमों का जरूर प्रयोग कर दिया और देखिए पॉइंट के ऊपर, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर गेंद को कलेक्ट कर दिया, एक सिंगल मिली, सिंगल के साथ जीवदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर पहुंच चुका है, यानी कि 53 पे स्कोर जा चुका है। बढ़िया इस बार देखा जाए, बढ़िया शानदार धूम तरीके से बल्लेबाजी चल रही है और अब बची हुई अभी तक 3 गेंदे शेष है। भूषण भोईर की आगे निकले, कदमों का प्रयोग किया, गेंद चली गई है लंगन के ऊपर, दूसरे टप्पे के साथ गेंद को पकड़ लिया और इस सिंगल के साथ देखा जाए जीवदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर पहुंच चुका है 54 के घर में, 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे। प्रसाद इस बार ये देखिए, लेकिन शॉट थर्ड मैन क्षेत्र में दायरे के अंदर गेंद को कलेक्ट कर दिया, एक सिंगल मिली, सिंगल के साथ जीवदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर पहुंच चुका है 55 के घर में 55। और इस पारी की आखिरी गेंद शेष है, भूषण भोईर जबरदस्त खिलाड़ी, लेकिन ये फुल टॉस जरूर गेंद दी थी, लेकिन गेंद चली गई है डीप मिड विकेट के ऊपर, मगर बढ़िया थ्रो आया, बढ़िया क्षेत्र रक्षण देखने को मिल चुका है और इस सिंगल के साथ देखा जाए स्कोर पहुंच चुका है इस बार जीवदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर है 56 और जीतने के लिए नावा टीम को चाहिए 57 रन। आइए रनौत साहब यहाँ बैठने के लिए, अभी जा रहे हैं आप, आपकी मर्जी, नहीं तो खुशी के लिए कोई ना कोई कोई जान भी दे सकते। बिल्कुल मुझे लग रहा है अभी तांडेल साहब आ रहे और बिल्कुल यही है, इन तिकड़ी है तिकड़ी इन लोगों की शायद देखा जाए, जैसे पहले के जमाने में विजय मर्चेंट, विजय हजारे और विजय मांद्रेकर तिकड़ी थी हिंदुस्तान की, वैसी ये शायद देखा जाए नीरज राणावत साहब, उदय तांडेल साहब और दत्ता मेहर, इन लोगों की तिकड़ी है और इन लोगों ने अच्छा इस बार देखा जाए ग्रामीण टीमों के लिए हर टाइम योगदान देते हैं और योगदान यही देते हैं क्योंकि उनका अभ्यास उनका निर्णय सही होता है और इंसान है ये कोई भगवान नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी इस शायद देखा जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना खेल तो उन्होंने खेला हुआ है, किसी को मालूम नहीं हो गया उनका खेल क्या था, लेकिन आज अंपायर की जो काम कर रहे वो इतने सक्सेसफुल कर रहे कि शायद हर जगह पे उन्हें शायद मंगनी आती है और बढ़िया इस बार देखा योगदान 57 रन चाहिए जीतने के लिए। Bye.
धन्यवाद डीजे मास्टर नितिन पाटिल जी। अब जीतने के लिए यहाँ नवा टीम को 14.25 के रन के औसत से हर ओवर में यह रन इकट्ठा करना पड़ेगा, तो शायद देखना पड़ेगा कौन सी मैच जीतेगी यहाँ नावा या बामन डोंगरी। बामन डोंगरी या नावा चर्चा जारी है, लोग अभी तक इस मैच का आनंद लेने के लिए उपस्थित है। ये टूर्नामेंट के ऊपर लोगों का प्यार है दोस्तों, इसलिए लोग अभी तक कई लोग घर नहीं गए, क्योंकि जानते हैं जब तक अंतिम मुकाबला आज का दिन का खत्म नहीं होगा तब तक ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ लोगों ने अच्छा प्रयास दिया, लोग चाहिए, लोग ही गवाह हो जाते हैं। और कलाकारों को देखने के लिए जब दर्शकों की उपस्थिति होती है तो बेहतरीन मजा आता है। यह टीम मीटिंग चल रही है बामन डोंगरी की। प्लान चल रहा है कि अब हमें कैसी गेंदबाजी करना है। शायद जीतने के लिए 57 रनों का टारगेट रखा है, और सलामीर जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए ड्रेसिंग रूम छोड़ के सीधे इस बार मैदान के ऊपर पहुंचने जा रहे ये धाकड़ जोड़ी है दोस्तों। नावा बनाम बामन डोंगरी के बीच कई बार कई मैदानों के ऊपर मुकाबला हुआ होगा, उस बार कई बार बामन डोंगरी जीती होगी, कई बार इस बार नावा जीती होगी। लेकिन नावा टीम का एक दरारा है, नावा टीम की एक खासियत है, उन्होंने योगदान दिया है और उनका नाम क्रिकेट में बड़ा हुआ है। लेकिन एक उनकी खासियत है कि शायद कौन सी भी शायद टूर्नामेंट हो जाए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपने हिम्मत के साथ अपने बलबूते पे अपने गाँव का नाम रोशन करते। और गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए इस बार देखा जाए तो शायद कल्पेश ठाकुर और भूषण मोइर और अमोल सेल्वम, ये जोड़ी मैदान के ऊपर गई है और यही दोस्ती है दोस्तों। लेकिन दोस्ती लगभग देखा जाए मैदान के ऊपर नहीं हो जाती है। तो पहला पावर प्ले है, स्ट्राइक के ऊपर भूषण मोइर एक आक्रामक खिलाड़ी, दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। 57 रन चाहिए जीतने के लिए 24 गेंदों में और 57 रन मुश्किल तो कोई नहीं है क्रिकेट में। लेकिन इस बार देखिए क्या बढ़िया फील्डिंग की है मिडान के फील्डर ने, अच्छा खूबसूरत क्षेत्र रक्षण देखने को मिल चुका है। जरूर डाइव मारी है उन्होंने, मगर इस बार देखा है सिंगल लेने में बल्लेबाज यहाँ भूषण मोइर कामयाब बन चुके। सिंगल के साथ भूषण मोइर ने खुद का खाता, और एक बार फिर से रनआउट सब्जी का कहना है, अब तीसरे अंपायर की मांग मैदान के ऊपर। चलिए सुकेश भोपी तो आती जमदाड़े, आप जाइए जल्दी, मैं जाऊं उदय जी आप ही जाइए, आप जाइए उधर तीसरे अंपायर वही रहेंगे, नहीं गए। अरे सीटी बज रहे, हाँ अपने आदमी है तो कोई टेंशन नहीं। यकीनन के बाद इस बार गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा शक आया है, तीसरे अंपायर की मांग मैदान के ऊपर हुई है। तीसरे अंपायर इस बार शायद मैदान पे पहुंचे हुए, और ये किनारा, और इसी के साथ देखा जाए तो शायद अमोल एक महत्वपूर्ण बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। बामन डोंगरी को पहली सफलता मिली, पहली सफलता कल्पेश ठाकुर को मिली। टीम का स्कोर है 1-1 विकेट के नुकसान में, नवा टीम का स्कोर।
बिल्कुल और एक शॉट थर्ड बैंड क्षेत्र में एक शानदार कैच लिया, बल्ले का किनारा लगा और वह सुरक्षित थे फील्डर और उन्होंने कैच लिया। पहला झटका नावा टीम को मिला और टीम का स्कोर है एक एक विकेट के नुकसान पे। और ये अपील की, ये भी बल्लेबाज वापस आ रहे, मानो दूसरा विकेट नावा टीम का ड्रेसिंग रूम में। बल्लेबाज यहां लगभग देखा जाए तो मनीष गैरत इस बार ड्रेसिंग रूम में, स्कोर है एक दो विकेट के नुकसान पे। और नए बल्लेबाज गौतम गायकवाड, स्कोर एक दो विकेट के नुकसान पे। काफी बेहतरीन यहां प्रीतम दादा मात्रे ट्रॉफी 2019 का ये आयोजन समर्थ मैदान वाकड़ी का सेकंड राउंड का ये दूसरा मुकाबला और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस बार गौतम गायकवाड स्ट्राइक के ऊपर पहुंच चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी कल्पेश ठाकुर की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्लोअर गेंद फेंकी। मुझे यह लग रहा है कि बल्लेबाज इस गेंद को खेलने वाले थे लेकिन इस बार वेरिएशन दिखाया, गुड लेंथ एरिया में गेंद को फेंकने के बाद गेंद ने थोड़ा सा टर्न लिया, बल्लेबाज को दिक्कत पैदा हुई और शायद इस बार ये गेंद देखी, अच्छी गेंद स्लोअर गेंद फेंक रहे और बल्लेबाज को दिक्कत पैदा हो रही और वो टप्पा है ना वो आगे ही रखना चाहिए, जब टप्पा आगे होता है तो बल्लेबाज को दिक्कत। ये देखिए फिर से लगभग देखा जाए तो शायद अच्छी गेंदबाजी या टर्न हो रही और जब ज्यादा ही बाहर गई है तो इस वाइट के साथ स्कोर जाता है दो के घर में। आफ्टर छोटी हुई गेंद इस बार शायद वाइट का इशारा आया अंपायर नीरज राणा साहब जी की तरफ से और ये फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन इस बार गौतम गायकवाड सक्सेसफुल नहीं बने। एक सुनहरा मौका था लेकिन मौका मौका करते समय पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर में रन बन चुके लगभग देखा जाए नावा टीम के दो रन एक विकेट के दो विकेट के नुकसान पे। डीजे 18 गेंदे 55 रन विजय साठी 18 चेंडू मध्ये 55 धावांची गरज आहे ती नवा संघाला। अब आए दुसरे गेंदबाज ओमकार नाईक और ओमकार नाईक का सामना करने के लिए भूषण भोईर स्ट्राइक के ऊपर। अब भूषण के ऊपर दारमदार है इस मैच का, भूषण ही जलवा दिखा सकते हैं। अब 18 गेंदे और 55 रन चाहिए। ये देखिए बढ़िया प्रयास किया था मगर सिंगल लेने में कामयाब, सामने मारने का प्रयास लेकिन गेंद को उठाने जा रहे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, तब तक के लिए एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ देखा जाए तो यार टीम का स्कोर आगे बढ़ता, यानी कि स्कोर है 3 के घर में। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का कुछ ना कुछ जलवा दिखाना ही पड़ेगा। एक शॉट थर्ड मैन है इस प्रकार देखा जाए, शॉट पॉइंट है
और शायद इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने तो शॉट कवर है, ये ऑफ साइड के ऊपर फील्डिंग की हुई रचना है। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ है, एक लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है। और ये देखिए टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने उछाल ली जरूर, बल्लेबाज ने घुमाने का प्रयास किया था ऑन साइड के ऊपर, गेंद और बल्ले का या कोई संपर्क इतना खासा नहीं बन चुका है और ये गेंद डॉट गई है, यानी कि स्कोर जगह पे रुका है, यानी कि 3 रन। इससे कुछ होने वाला नहीं है, नावा टीम को अपना रूप धारण करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि जब 57 रनों का टारगेट अपने सामने रखा है तो तोड़फोड़ करना ही चाहिए। ये देखिए हवा में जरूर गेंद, लेकिन कैच होगी, बेहतरीन कैच लिया और विकेट नंबर या तीसरा मैदान से वापस आता हुआ 3 रन लगभग देखा जाए, 3 विकेट के नुकसान पे नावा टीम का स्कोर। या गेंदबाजी अच्छी चल रही है भामंडुंग की। शायद आप जीतने के लिए 15 गेंदों में 54 रन चाहिए, गेंदे 15 रन चाहिए 54, तो शायद 3 विकेट बाहर आ चुके, नए बल्लेबाज जा चुके मैदान के ऊपर। वैष्णव भोईर, क्या वैष्णव भोईर आक्रमण करेंगे? ओपनिंग बल्लेबाज भूषण भोईर, काला कट्टा ठीक है, चाय की मजा ही कुछ और हो जाती है। 15 गेंदे 54 रन चाहिए जीतने के लिए, क्या नावा का बल्ला कब चलेगा? क्योंकि यह बल्ला जब बामन डोंगरी का चला था तो उन्होंने 56 रन इकट्ठा किया, 57 रनों का टारगेट रखा, तो यह थोड़ी सी हालत नावा टीम की खतरनाक बन चुकी है, थोड़ी सी बैकफुट पर गई टीम, अब इसे फ्रंट फुट पर लाना है। तो ये बल्लेबाज जो भूषण भोईर है इसके ऊपर पूरा दारमदार है, नए बल्लेबाज वैष्णव भोईर गए हैं, ये क्या जिम्मेदारी उठाएंगे अपने कंधों के ऊपर? अगर उत्तरदायित्व निभाना है दोनों बल्लेबाज को तो अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। आइए, ये फुल टॉस गेंद मामला बनेगा और इसी के साथ लिया कैच और महत्वपूर्ण विकेट, नो बॉल का इशारा आ चुका है। तो कमर के ऊंचाई के ऊपर गेंद थी, इसीलिए अंपायर ने उसे नो बॉल दिया। अगली गेंद प्री हिट की है, बल्लेबाज आजाद है, बल्लेबाज को इस बार देखा जाए तो बोनस है। अच्छे से स्प्रीट है, नो बॉल है तो फ्री हिट है, क्या फ्री हिट का फायदा वैष्णव भोईर उठाएंगे? 3 रन पे भूषण भोईर खेल रहे, टीम का स्कोर है 5 के घर में, 52 रन अभी तक जीतने के लिए चाहिए। चार बॉल आते हैं, 3 बॉल आते हैं, और अभी तक लगभग देखा जाए 15 गेंदे शेष है। ओमकार नाई के ऊपर गई, क्या बेहतरीन पैरेलल छक्का, और धन्यवाद दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। एक बार फिर से मैदान के ऊपर, व्हाट अ शॉट, अंत में क्या हुआ? अरे देवा रे देवा, ये भी गेंद 6 रन के लिए, चक्का खिली खिली चंपा,
खुश हुई लंबा देखो पर लंबा चक मारा खंबा रोक मत तू भी ठोक बहुत भारी नितिन भाई जलवा दिखाना ही चाहिए और ये गेंद इस बार कामयाब नहीं बन चुके लेकिन वाइट का इशारा आया है और इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 18 के घर में 13 गेंदे टीम को जीतने के लिए 39 रन चाहिए। भूषण भोईर का बल्ला नहीं चला लेकिन इस बार देखा वैष्णव भोईर आते ही दो गेंदों के ऊपर वार किया और गेंद मिलो मीर पार किया। ये देखिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर चली गई एक टप्पे के साथ गेंद को खेल दिया सामने ही फेंक दिया था गेंद को उतना ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था सिंगल के साथ स्कोर जा चुका है 19 के घर में तो अब जीतने के लिए यहां लगभग देखा जाए 12 गेंदे और 38 रन चाहिए। वाह डीजे सानिया नितिन पाटिल सुमधुर डीजे साउंड सिस्टम। अब 12 गेंदे 38 रन गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए आ चुके भानुदास की गेंद शॉर्ट पिच गेंद कैच मिलना अरे बढ़िया कैच लिया वाह रे वाह और विकेट मैदान से बाहर आती हुई वैष्णव भोई ड्रेसिंग रूम में अपनी तो जैसे तैसे एक अच्छी पारी खेली 13 रन की और यही गेंदबाज की खासियत है स्लोअर गेंद फेंकने के बाद प्रयास किया लेकिन उतनी धाकड़ कैच एक जबरदस्त कैच मुझे देखने को मिल चुकी है कि लॉन्ग ऑन के फील्डर ने शानदार कैच लिया नहीं बल्लेबाज रितेश 11 गेंदे 38 रन अब गए चौवा अब जाएगा यहां से मैंने कह दिया क्रिकेट की कहानी हो जाती है लेकिन कई बार हमारी जुबानी परफेक्ट होती है। बिल्कुल अब गाड़ी चलाना ही चाहिए अब गाड़ी के गियर बदलना ही चाहिए गाड़ी न्यूट्रल में अब लाउना चौथे गियर के ऊपर तब मजा होगी। दस गेंदे 34 रन नहीं भूषण इस बार कामयाब नहीं बन चुके बढ़िया गेंद भानुदास की स्लोअर गेंद वेरिएशन दिखा रहे हैं टप्पा पड़ने के बाद एक बार इस बार भूषण को दिक्कत पैदा हुई बढ़िया रन अप है भानुदास का परिवर्तन जरूर चल रहा है या मिडाप आए मिडाप के ऊपर फील्डर
तेजस मात्र इस बार मिड ऑफ के ऊपर पुलिस है वो भी अच्छा योगदान दे रहे और इस बार मामला मानदास नहीं छोड़ेंगे और इसी के साथ एक आशय की किरण थी नावा की वो भी ड्रेसिंग रूम में बाज सात रन मना के इस बार देखा जाए तो शायद वापस आठ रन मना के वापस आ चुके हैं वैष्णव भूषण भोईर छह गेंदों में सात रन की पारी समाप्त हो चुकी है। स्कोर देखा जाए तो अभी तक रुका हुआ है 23 के घर में। अब जीतने के लिए यहां आठ गेंदे और 34 रन नहीं बल्लेबाज जवान नहीं चल रहे इस बार। भानुदास की अच्छी गेंदबाजी एक गेंद स्लो फेंकता है एक गेंद फास्ट फेंकता है इसलिए बल्लेबाज को दिक्कत पैदा होती है और उसी तौर के ऊपर भानुदास की कला है। अरे लोग किधर गए सब घर गए और ये अब कुछ नहीं होगा और इस गेंद के ऊपर कुछ रन नहीं है। स्कोर है 23 के घर में। आने वाले छह गेंदों में लगभग देखा जाए टीम को जीतने के लिए 34 रन चाहिए। 34 रन इकट्ठा करना कोई मुश्किल बात नहीं है लेकिन उतना ही आसान नहीं है। जैसा अगर नावा मुझे लग रहा है अभी नावा का शायद ये मध्यक्रम है वो ये खेल रहा है। ऐसा कौन सा बल्लेबाज है ऐसा कौन सा शायद धोनी है ऐसा कौन सा विराट कोहली इस टीम के अंदर इस मैच को जिता सकता है। छह गेंदे 34 रन गेंदबाज है निखिल खोत। अब पहली गेंद के ऊपर छक्का आया तो मजा आएगा दूसरी गेंद पर छक्का आएगा मजा होगा तीसरी गेंद के ऊपर छक्का आएगा मजा होगा चौथी गेंद के ऊपर छक्का आएगा मजा होगा इनमें से कुछ नहीं आया समझ जाइए। ये लाने के लिए गेंदबाज इस बार देखा जाए निखिल खोत नहीं तो अब मुझे लग रहा है शायद पांच गेंदे शेष टीम को जीतने के लिए 33 रन चाहिए। नावा वाले ने मुझे लग रहा है कि हथियार फेंक दिए हैं जमीन के ऊपर ऐसा मुझे लग रहा है। और जब खेल ऐसा एक तरफी होता है ना एक तरफी प्यार में मजा नहीं है एक तरफी दोस्ती में मजा नहीं है। मुकाबला शेर शेर का होना चाहिए जब मुकाबला शेर बकरी का होता है तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगता लेकिन क्रिकेट है उसमें कोई दिक्कत नहीं हमने कह दिया आपको। ये देखिए गेंद अच्छी और ये डॉट गेंद गई है बल्लेबाज इस बार थोड़े से बैक फुट पर आए गेंद को खेलने गए थे गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी लेकिन सही नियंत्रण में थे लाइन में थी इसलिए अंपायरों से वाइड नहीं दिया लेकिन यकीन इनके साथ अब तो 24 स्कोर चार गेंदे शेष है जीतने के लिए शायद देखा जाए तो 34 चाहिए 34 रन अब 33 रन चाहिए चार गेंदे 33 शार्ट पिच गेंद और इसी के साथ और ये बल्लेबाज खुद ही सरेंडर हो चुके यानी कि बल्ले का किनारा लगा कीपर के हाथ में गई और विकेट नंबर यहां लगभग देखा जाए तो शायद पांचवा छठा विकेट मैदान से वापस और अब दो गेंदे मेरे हिसाब से लगभग देखा जाए तीन दो गेंदे शेष है और दो गेंदों में जीतने के लिए यहां चाहिए 33 रन। अरे रेशमा माझ्यावर चिडू नको आज हा सामना वनसाईत आहे सरका मी बिघडलो तर मी लय वाईट आहे। स्पॉट की जंपर तीन गेंदे शेष है तीन गेंदे 33 रन। ये देखिए ये क्या है दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे फोड़ने से कुछ फायदा नहीं। अब चौवा आया है लेकिन क्या फायदा नहीं क्योंकि दो गेंदों में जीतने के लिए 29 रन चाहिए और इस बल्लेबाज ने चौका मार दिया। बल्लेबाज का नाम है मिथुन ने खुद का खाता ओपन कर दिया
दोगेंदे 29 रन, नावा के लिए लगभग मेरे हिसाब से कठिन है। अब वाइट गेंद, अब उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, फिर एक गेंद वाइट पे की, डिशाइन गेंद पे की, तो शायद दो गेंदे 28 रन कहां से आएंगे। एक बार फिर से अच्छी गेंद, और इसी के साथ ये लगभग मैच देखा जाए जीवदानी बामन डोंगरी ने अपने जेब में डाला है और कह दिया कि ये मैच हमने जीता है, क्योंकि एक गेंद के ऊपर 28 रन इस कुरुक्षेत्र के ऊपर नहीं आएंगे। और मुझे लग रहा है नावा इस लक्ष्य को पार करने गए थी लेकिन अंत में असफल बनी। और इसी के साथ देखा जाए 29 रन से परास्त कर दिया, बड़ी जीत हासिल किया है, बल्लेबाज आउट भी हो चुका है। यानी देखा जाए 28 रन से इस मैच को जीता है यहाँ जीवदानी बामन डोंगरी टीम ने, जीतने वाले टीम का